जालन्यात मुस्लिम समाज विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात आपला उमेदवार उतरवण्यासाठी इच्छुक दिसतोय. काँग्रेस पक्षाकडून विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम उमेदवाराला संधी देण्याची मागणी मुस्लिम समाजाने काँग्रेस पक्षाकडे केली आहे. 2024 में जालना मतदारसंघ से मुस्लिम समाज की वोटिंग 1 लाख के करीब पहुँच चुकी है. इसलिए हमने सभी समाजों से मशवरा करने के बाद मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज, मराठा समाज और दीगर समाजों से मशवरा करने के बाद में यह तय किया है कि जालना से 2024 विधानसभा के लिए मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए. इसलिए हमने कांग्रेस पक्ष से उम्मीदवारी मांगी है, जिसमें मैं भी हूँ, अब्दुल हफीज़ साहब है, शेख महमूद साहब है. हम तीनों ने इसमें उम्मीदवारी मांगी है. तुम्ही काँग्रेस पक्षाकडे उमेदवार मागितलेली आहे, मग तुमचं योगदान काय राहिलं? तुम्ही काँग्रेस पक्षाला उमेदवार मागितली. काँग्रेस में हमारा योगदान ये है कि लोकसभा में हमने मुस्लिम समाज ने जो काम किया है और हमने जो काम किया है उसका रिजल्ट आपके सामने है. जालना लोकसभा से अक्सरियत में मुस्लिम वोटिंग हुई है, मुसलमानों के साथ दीगर समाजों ने भी वोट दिया है. सबसे बड़ा योगदान यही है कि आज कांग्रेस पक्ष जिस मकाम पर खड़ा है वो मुसलमानों के योगदान की वजह से खड़ा है. इसलिए कि यहाँ पर 1 लाख के करीब मुस्लिम समाज का वोटिंग है और दीगर समाजों की भी इसमें वोटिंग है. अल्पसंख्यक समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, मराठा समाज है और दीगर समाज है. इन सब की ये ख्वाहिश है. हमने सबसे मीटिंग भी की है, व्यापारियों से हमने मीटिंग की है, तमाम समाज वालों से हमने मीटिंग की है. सभी ने ये कहा है कि इस बार जालना लोकसभा, जालना विधानसभा से मुस्लिम को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए और मुस्लिम यहाँ से MLA बनना चाहिए. इसलिए हमने यहाँ से उम्मीदवारी मांगी है और हमको उम्मीद है कि जालना के तमाम समाज के लोग हमारे साथ में है. उनकी खुद ख्वाहिश है कि यहाँ से माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समाज का MLA बने. आतापर्यंत जालना विधानसभेला मुस्लिम समाजाचा उम्मीदवार मिळाला नाही, तुम्हाला काय वाटतंय का की काँग्रेस पक्ष उमेदवार देईल? देखो, हमेशा काँग्रेस पक्ष ने मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी की है और जितने मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता है उनको बंदी बना दिया गया है, गुलाम बना दिया गया है. तो हम चाहते हैं कि इस साल विधानसभा 2024 में मुस्लिम आमदार बने और जो लोग सियासी बंदी बनाए गए हैं, सियासी कैदी बनाए गए हैं, उनको आज़ाद करें और तमाम समाजों को इसका जो है तो फ़ायदा मिले. मुस्लिम समाज को फ़ायदा मिले, समाज को फ़ायदा मिले और दीगर समाजों को भी इसका फ़ायदा मिले. क्या नाम आपका? सैयद जमील सैयद जानी मियाँ, इनामदार मुतवली दरगाह राजाबाग सवार, जालना.